मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था, पर यही टेक्निक्स की मदद से आज मैं एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग बिजनेस रन कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बिजनेस भी डॉक्टर्स जैसा ही है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। हाय, मेरा नाम जितेश मनवानी है, मैं एक बिजनेस कोच और कंसल्टेंट हूँ, और आज मैं अपने यंग फ्रेंड्स की मदद करना चाहता हूँ कैसे कॉन्सेंट्रेट किया जाए, क्योंकि कई लोग मुझसे इनबॉक्स में पूछते हैं, सर कॉन्सेंट्रेट कैसे करें, स्टडी नहीं हो पा रही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज जो मैं आपसे 5 टेक्निक शेयर करना चाहता हूँ, वो 5 मैं खुद अप्लाई करता हूँ, कहीं इंटरनेट पर मैंने नहीं पढ़ी, कोई किताब में नहीं पढ़ी, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। और आखिरी वाली टेक्निक जो है ना, वो तो अपनी वर्कशॉप्स में भी डिटेल में अपने सारे पार्टिसिपेंट से कराता हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा। मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था, पर यही टेक्निक्स की मदद से आज मैं एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग बिजनेस रन कर पा रहा हूं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बिजनेस भी डॉक्टर्स जैसा ही है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। टेक्निक शेयर करने के पहले मैं उससे भी इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं, और वो है व्हाई। आप पढ़ क्यों रहे हैं ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं? अगर आपके माइंड का ये वाई सेटिस्फाई नहीं हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देगा, इसीलिए आपको ढूंढना पड़ेगा वाई। तो सोल्यूशन क्या है? सोचिए, अगर आप ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये आपके करियर में कितनी मदद करने वाला है, एक अमेजिंग लाइफ देने वाला है। पर अगर आपके करियर में ये कोई मदद नहीं करने वाला, तो भी आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, अन्ना हजारे जैसे मशाल उठाइए और बोलिए, नारा लगाइए, एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट नारा लगाइए कि ट्रिग्नोमेट्री और हिस्ट्री को बाहर निकालो। और दूसरा ऑप्शन है, आप थोड़ी मेहनत करके मन को समझा के पढ़ लेते हैं और एक डिसेंट नंबर ले आते हैं और ऐसा करियर चूज करते हैं जहां पे ये सब्जेक्ट की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़नी। पर अगर आप फेल हो गए तो ये सब्जेक्ट फिर से आएगा और आपका सर खाएगा। 100 बात की एक बात, लाइफ में कई चीजों के लिए मन को समझाना पड़ता है। जो लोग नहीं समझा पाते वो सिर्फ सपने ही देखते रहते हैं, पर जो समझा लेते हैं वो सपनों को साकार भी कर लेते हैं। तो चलिए, इसी आशा से मैं आपसे शेयर कर रहा हूं अपनी टेक्निक नंबर 1, कि आप पढ़ने के लिए तो कम से कम तैयार है। तो टेक्निक नंबर 1 है, कभी भी बेड पर बैठकर ना पढ़े। क्योंकि हम तो शुरू करते हैं सीधा बैठकर एकदम सामने, पर धीरे धीरे होता क्या है, किताब ऊपर जाती जाती है और हम धीरे 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 लेटने लग जाते हैं और आखिर में नींद लग जाती है। हमेशा टेबल और चेयर पर बैक सीधा करके बैठे। देखिए, हर फर्नीचर को देखकर बॉडी का एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सा बन जाता है। जैसे आप मिरर को देखते हैं तो आप अपने बाल ठीक करते हैं या मेकअप ठीक करते हैं, या अगर आप फ्रिज को देखते हैं तो आप आदत है खोल के देखने की अंदर क्या है, या अगर आप सोफा पर बैठते हैं और सामने टीवी है तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है बॉडी का कि वो रिमोट उठाएगी और टीवी चालू कर देगी। वैसे ही बॉडी का बेड पे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है सोना। तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि जब आप उसे यूज करते हैं पढ़ने के लिए तो वो आपको नींद देता है, और जब आप सोने जाते हैं तो आपको नींद नहीं आती है और इसलिए आप फिर सुबह उठ नहीं पाते हैं। तो अगर आप सुबह उठना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे एक वीडियो मैंने बनाया है कि कैसे टाइम पे आप उठ सकते हैं, क्लिक हियर टू वॉच इट। तो दोस्तों, अगर रिजल्ट के दिन नहीं चाहते हैं रोना तो बेड को पड़ेगा छोड़ना। मेरी पर्सनल टेक्निक नंबर 2, आपकी पढ़ने की जगह पर कोई भी टाइप का विजुअल या ऑडिटरी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। हम अक्सर ऐसी जगह बैठते हैं जहां बहुत सारा मूवमेंट हो रहा होता है, प्लीज अवॉइड इट। विजुअल डिस्ट्रैक्शन से भी ज्यादा खतरनाक है ऑडिटरी डिस्ट्रैक्शन, मतलब जो कानों से आवाजों से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो मैं तो 3M के ईयर प्रोटेक्टर यूज करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। और या तो आप ईयरफोन्स लगा लीजिए, वायरलेस ईयरफोन्स लगा लीजिए और उस पर स्टडी म्यूजिक चलाइए, जो आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मदद करता है। और आसपास की जो ऑफिस की आवाजें होती हैं वो मुझे नहीं आती, आपको घर की आवाजें नहीं आएंगी, और इससे बहुत ज्यादा रिजल्ट्स में फर्क पड़ेगा। 1 घंटा सिर्फ इस तरीके से पढ़ के देखिए, आपके रिजल्ट्स में जमीन और आसमान का फर्क होगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। टेक्निक नंबर 3, रीड टिल यू अंडरस्टैंड। किताब खोलिए और एक पैराग्राफ को जब तक पढ़ते रहिए जब तक आपको पूरा समझ में ना आए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, डिस्कस करिए फ्रेंड से, गूगल करिए, यूट्यूब पे देखिए, पर आगे मत बढ़िए। कई बार ऐसा होता है, हम किताब पे किताब पढ़ते रहते हैं, पेज पे पेज पढ़ते रहते हैं, पर बाद में पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है और हमें कुछ समझ में नहीं आता। इससे अच्छा है कि आप एक ही पैराग्राफ को डिटेल में पढ़ते रहिए और उसके बाद फिर खुद के नोट्स बनाइए।
किताब में लिखे कॉन्सेप्ट्स को आसपास की चीजों से रिलेट करिए। जैसे अगर हार्ट के फंक्शन को समझना है तो आप समझ सकते हैं वाटर पंप से। जैसे वाटर पंप आप चालू करते हैं तो वो टंकी से पानी लेता है और पूरे घर में पाइपलाइन के थ्रू पानी पहुंचाता है। हार्ट भी कुछ इसी तरीके से करता है, राइट? तो इस तरीके से रियल लाइफ से किताब को रिलेट करिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बन पाएगा। एक बार आपने समझ के अपने नोट्स बना लिए, फिर आपको बार बार किताब उठाने की जरूरत नहीं है। अपने नोट्स को ही रेफर करते जाइए, क्योंकि अब आपने अपने हिसाब से वो नोट्स बनाए हैं एंड स्टडीज विल बी मच इजियर फॉर यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑल्सो। टेक्निक नंबर 4, माइंड मैप्स जरूर बनाइए। रिसर्च कहती है 65% लोग विजुअल लर्नर्स होते हैं। विजुअल लर्नर मतलब वो सुनते जरूर हैं शब्दों को, पर दिमाग में एक विजुअल बनाते हैं। अगर उनके दिमाग में विजुअल नहीं बनता है तो उन्हें समझ नहीं आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, माइंड मैप्स बना सकते हैं। इस तरीके से माइंड मैप्स बना सकते हैं। तो जैसे ही आपने माइंड मैप बना लिया, अब आपकी पढ़ने की छुट्टी, आप बस माइंड मैप जो आप बना रहे हैं उनको ही रेफर करते जाइए, रिवाइज करते जाइए, और आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। डायग्राम बनाइए, इतना विजुअल, इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगी आपकी पढ़ाई कि आप विश्वास नहीं कर सकते। मैंने खुद PhD की पढ़ाई इसी तरीके से माइंड मैप्स के थ्रू ही करी है। जी हाँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, PhD कर रहा हूँ स्पीकिंग और ट्रेनिंग पे। अगर आप भी मेरी तरह एक स्पीकर इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करना चाहते हैं तो आइए स्पीक फॉर मिलियन सेमिनार जो हो रहा है 13th of October को इंदौर में होटल मैरियट में। टिकट्स है jiteshmanwani.com, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। अच्छे मार्क्स लाने का सिंपल फॉर्मूला है, समझना और रिवाइज करना। और माइंड मैप से अच्छा रिविजन टेक्निक आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहां पे अभी क्लिक करिए और देखिए वंडरफुल माइंड मैप्स कैसे बना सकते हैं। हम अक्सर रिविजन कम और रीरीड ज्यादा करते हैं। क्या फर्क है? रिविजन मतलब जब आप कोई चीज को समझ लेते हैं तो आपको अपने आप से ही सवाल पूछने हैं। जब आप सवाल पूछते हैं खुद से आंसर बंद करके तो आपके माइंड का एफर्ट लगता है और रिटेंशन बढ़ जाता है। बेस्ट तरीका है रिविजन का एक दिन एग्जैक्टली बाद, मतलब 24 घंटे बाद। जब आपने कोई चीज पढ़ ली, आपने समझ लिया है, अब आपको उसे रिवाइज करना है, 24 घंटे बाद वो सही तरीका है। पर अक्सर हम क्या करते हैं, हम रीरीड पे रीरीड करते जाते हैं। रीरीड नहीं करना है, रिवाइज करना है। पांचवी और आखिरी टेक्निक जो मेरी फेवरेट है, स्लेट एंड चॉक टेक्निक। जो भी आपका मंथली गोल है उसे ये स्लेट पर लिखिए और घर की कोई ऐसी जगह पे टांग दीजिए जहां पे आप बार बार जाते हैं स्टडी टेबल के अलावा। आपने देखा होगा अक्सर अमेज़न पे आप कोई आइटम देखते हैं, अब क्या होता है, कोई और वेबसाइट खोलते हैं, कोई और खोलते हैं, तो वो आइटम आपका पीछा फॉलो करने लग जाता है, हर जगह वही दिखता है। उससे होता क्या है, धीरे धीरे आपकी कहीं ना कहीं इच्छा होने लग जाती है वो खरीदने की, और हो सकता है आप खरीद लेते हैं। ये जो स्लेट है ना, ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगी, आपको बार बार दिखेगी, बार बार दिखेगी, ये गोल आपको बार बार दिखेगा और इससे आपकी इच्छा होगी इसे निपटाने की, क्योंकि आपको ये बार बार दिख रहा है, और आपकी पढ़ने की इच्छा होगी, और जैसे ही इच्छा होती है कोई चीज की तो कॉन्सेंट्रेशन तो अपने आप ही हो जाता है। चलिए लेट्स रिवाइज ऑल द 5 टेक्निक्स। तो पहली क्या थी, नेवर। चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूं क्योंकि ये रीरीड हो जाएगा, रिवाइज करना है, नेवर स्टडी ऑन द बेड। दूसरी टेक्निक थी Yes, that is auditory distractions और visual distractions से दूर होना है। तीसरी है read till you understand, read करिए till you understand and then make notes out of it and then read your own notes और आसपास की real life चीजों से relate करिए। अगली technique थी mind map बनाइए, revision का बहुत अच्छा तरीका है माइंड मैप बनाना, क्योंकि विजुअल लोग 65% होते हैं। और उसके बाद था फॉर्मूला टू गेट हाई स्कोर इज अंडरस्टैंड एंड रिवाइज। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, रिवाइज करना है, रीरीड नहीं करना है। अभी हम रीरीड कर रहे हैं, अपने आप से सवाल पूछिए अगली टेक्निक क्या थी, और अगली थी स्लेट एंड चॉक टेक्निक। यस, ये पांचों टेक्निक थी। अगर ये पांचों आप फॉलो करेंगे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, स्कोर बढ़ जाएगा, ये मेरा आपसे पर्सनल वादा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर नीचे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और ये बताइए कि आप कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे आपका स्कोर अच्छा है। मैं जरूर आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा पर्सनली और रिप्लाई भी करूंगा।
और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप वन पेज पीडीएफ चाहते हैं इस वीडियो की तो नीचे ही लिंक पे क्लिक करिए, आपको वन पेज पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप कभी भी उसे रिवाइज और रीरीड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, बाय बाय।